हेलो, मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किताबें पढ़ के कोई बात कर रहा हूँ, ना ही मैं आपसे वीडियो देख के कोई बात कर रहा हूँ। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से अपने 15 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा, मेरा 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत भट्टाचार्य जी है, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपना प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, मैं मैथ्स की ट्यूशन देता हूँ, क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स को मैं मैथ्स की ट्यूशन देता हूँ। देखो, मेरे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स आगे चलकर अच्छा अच्छा सेटल हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे वेल सेटल्ड हैं, वेल पेड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स फार्मेसी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एक आध तो फॉरेन में भी सेटल्ड हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स बने हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में, CBSE ICSE बोर्ड के स्कूल में वो पढ़ाते हैं, उनकी भी सैलरी अच्छी है। तो देखो, पढ़ाने के अतिरिक्त मैं स्टूडेंट से उनके करियर को लेकर भी बातें करता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें, 10th पास करने के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने, किस में ज़्यादा अच्छा जॉब मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा हैं, किस में 100% श्योर है जॉब मिलना। तो देखो भैया, 100% श्योरिटी किसी फील्ड में नहीं है, ये सब डिपेंड करता है आपके स्किल पर। मैं उन्हें रास्ता दिखाता हूँ, मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, और उसको जब वो फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स पाते हैं, अच्छा रिजल्ट पाया उन्होंने। हाँ, कुछ बच्चे नहीं मानते, उनकी बात छोड़ दीजिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे भी यही बातें आज शेयर करने आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा 4 पर्पस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूं। दूसरी बात कि आप 10th के बाद जब अपनी स्ट्रीम चुने, आप साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, व्हाटएवर आप ले, तो आप कौन सी गलतियां ना करें। तीसरी बात कि आप 12th के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आगे कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारी बातें। और जो चौथी बात होगी वो नीतिगत बात होगी, वो वीडियो के अंत में करेंगे, तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी तरह से समझें, ठीक है। तो अब आपसे मैं मेन बातें करता हूँ, ठीक है। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस है वो है आपको सही रास्ता दिखाना। जैसा मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया है, वे आज सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्यों नहीं ये बातें मैं आपसे भी शेयर करूं? Why not? और दूसरी बात, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो सीरीज में, इस चैनल में, मैं आपको केवल ये सब बातें ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। मेरे आने वाले वीडियोस में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स होंगे, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा, मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, ये सब बातें मैं आपसे शेयर करूंगा टाइम टाइम। तो आप वीडियो को देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप रेगुलर देखते रहें, ठीक है। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, अब दूसरी बात करते हैं कि आप 10th के बाद जब अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे, साइंस में, आर्ट्स में या कॉमर्स में, व्हाटएवर, देखो भले नई शिक्षा नीति आ जाए, सब्जेक्ट्स चुनना आपके हाथ में ही होगा, ठीक है ना। तो आप उस समय क्या क्या गलतियां ना करें, इस बात पर पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्ट्रीम चुनते समय आप 5 गलतियां जो कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं, वो 5 गलतियां आप बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये 5 गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट्स प्राय करते हैं अपना स्ट्रीम चुनते समय, ठीक है। मैं 1 by 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आए होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तो कोई भी स्ट्रीम ले सकता हूँ, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, व्हाटएवर, मैं कुछ भी पढ़ लूँगा, ठीक है। ये गलत सोच है आपकी, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिए, अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुतों को आते हैं, कैसे आते हैं? देखो, या तो आप ब्रिलियंट हैं, बहुत खुशी की बात है यू आर ब्रिलियंट, या तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स का गेस क्वेश्चंस लग गया, उसे क्वेश्चंस, उसने जो क्वेश्चंस तैयार किए थे लगभग वैसे ही आ गए, गुड मार्क्स आ गए। हो सकता हो एग्जाम सेंटर पे अनफेयर मीन्स अडॉप्ट किया गया हो,
गलत रास्ता, चीटिंग, समझते हैं। और देखो एक चौथी बात है जो है, जिसको हम लोग कहते हैं तुष्टीकरण। मार्क्स देने में आपको बोर्ड ने जमकर तुष्टीकरण किया, जो एग्जामिनर्स थे, टीचर्स थे, उनको कहा गया होगा कि अगर कम मार्क्स आए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, बस उन्होंने भर के मार्क्स दे दिया। तो ये चार पॉइंट होते हैं। तो देखिए, जो ब्रिलियंट हैं, जो सच में अपने मेहनत से मार्क्स लाए हैं, दे आर गुड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां ये बातें काम की हैं, यहां पर ये काम हो गया है, वहां सोचने की बात है, ठीक है। देखिए मार्क्स आपको कैसे आए हैं ये आप अनाउंसमेंट मत करने जाइए, आप ढिंढोरा मत पीटिए उसका। आप अपने आप को पहले टटोलिए कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, आपने किस सब्जेक्ट्स में कम मेहनत की थी, किस में आपने अच्छी मेहनत करी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, आप किस में वीक हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आप ईमानदारी से वो सोचें, समझें और तभी डिसीजन लें कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, ना कि आप अपने मार्क्स पे जाएं, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट पर आप ध्यान दें। दूसरी बात, बहुत से बच्चों को मैंने ऐसे कहते सुना है, मैंने उनसे पूछा है कि भाई तुम क्या लोगे, टेंथ पास कर जाने के बाद तुम कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहोगे। तो उनका ऐसा कुछ अजीब सा जवाब रहता है कि सर 80% से ऊपर आ गया तो साइंस, उससे कम आया तो कॉमर्स, उससे कम आया तो आर्ट्स। ये कोई तरीका नहीं है, समझे। आपने जीवन में कोई लक्ष्य रखा ही नहीं, इसका मतलब जैसे जैसे मार्क्स आ जाए कोई आपको अगर दे दे मार्क्स, मैं कहता हूँ कि भैया चलो ये फैक्टर काम कर गया, आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता था, आपको अचानक बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया, अनएक्सपेक्टेड, आप मैथ्स लेंगे, नहीं लेना चाहिए ना। तो इस तरह की सोच आप मत रखें, ये तो आप बिल्कुल ना करें। आप पहले से सेट करके रखते हैं, और अगर आपने सेट नहीं भी किया है तो आप फिर देखिए कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आप कौन सा, किस स्ट्रीम में आप मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं, और आप कौन से लाइन में जॉब करना चाहते हैं, ये देखिए, उसके बाद ही आप स्ट्रीम का निर्णय कीजिए, ठीक है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि देखो अच्छे मार्क्स आ गए, सपोज आपके 80-85% मार्क्स आ गए, बहुत ज्यादा मार्क्स, अच्छे मार्क्स, गुड, डेफिनेट गुड। अब आप सोचते हैं कि अगर हम आर्ट्स या कॉमर्स ले ले तो भैया लोग क्या कहेंगे, कितना अच्छा मार्क्स लाया, आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, साइंस पढ़ने की औकात नहीं है। इस तरह की बातों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। लोग कहेंगे, उनका काम ही है कहना, उनको कहने दो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आप खुद देखो आप क्या करना चाहते हो। देखो आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपका मन है सीए करने का, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप क्यों साइंस लोगे। आपका मन है आप जर्नलिज्म करना चाहते हो, आप टीवी न्यूज़ एंकर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्यों साइंस या कॉमर्स पढ़ोगे, आप ऐसी पढ़ाई करोगे ना जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके साइंस में मार्क्स कम थे लेकिन आर्ट सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, 95 अबव थे, और आपका एवरेज पहुंच गया 80-85 के बीच में, तब भी आप क्या साइंस ले लोगे, नहीं लोगे ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, समझे। चौथी बात, देखो आपके मन में कभी कभी इच्छा होती है कि 10th क्लास के बाद ये वाले कॉलेज में हमें पढ़ना है या ये वाले स्कूल में हमें जाना है, ठीक है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए, हर कोई चाहता है कि मेरी एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूशन से हो। उस समय आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर वो स्कूल या कॉलेज अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत हाई मार्क्स रखता है और उतने आपके नहीं आए हैं, और आप देखते हैं कि जैसे मान लो आपके आए हैं 75%, और वो कॉलेज या स्कूल कहता है कि नहीं भाई हम 85% से ऊपर वाले को साइंस देंगे, इतने वाले को हम कॉमर्स देंगे, आपकी रुचि थी साइंस में, आपने देखा नहीं नहीं मुझे तो उसी स्कूल में जाना है, मेरा कॉमर्स में होगा तो मैं कॉमर्स ले लूँगा, ऐसा आप करने से पहले दो बार सोचिएगा, आप सच में इसमें इंटरेस्टेड हैं। टीचर्स कितने भी अच्छे हों, कितना भी बढ़िया इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे अपने सब्जेक्ट में तो आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए आप वहाँ ऑल्टरनेटिव देखें, ठीक है, आप इससे समझौता कर ले पर अपने स्ट्रीम से ना करें, ये मैं कहूँगा। देखिए मेहनत करेंगे तो आप हर स्ट्रीम में सफल होंगे,
ठीक है ना, ये स्कूल या कॉलेज आपको बना नहीं देता, मेहनत आपको ही करनी होती है। हाँ गाइडेंस अच्छा मिलता है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, गाइडेंस अच्छा मिलता है, बट फिर भी आपकी मेहनत सबसे पहले। और ये पांचवा पॉइंट, ये देखा देखी उस, अब जैसे मान लीजिए कोई है जो इंजीनियर बन गया, या उसने आईआईटी की एग्जाम दी, क्रैक कर गया, अब वो इंजीनियर बनेगा, आप भी देखा देखी लग जाते कि अरे वाह वो इंजीनियर बन गया, मैं भी बनूंगा। मत करो भाई, थोड़ा देख लो क्या तुम सच में उस लाइन में जाने का इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मान लिया कोई महीने के लाखों कमा रहा है, क्या करना है, बस टैक्स वैक्स का हिसाब तो लगाना है। ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो चीज़ों को, देखो चीज़ें आसान नहीं होती, समझे। वो बंदा मेहनत कर रहा है, उसका इंटरेस्ट रहा होगा, वो खूब मेहनत करा होगा, तभी तो आगे बढ़ रहा है ना, तो आप उस लेवल में कर पाओगे, ये सोचो। ठीक है ना, ये देखो, ये आपको मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सही रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप इंजीनियरिंग ना कर पाए, आप कुछ और क्षेत्र में और अच्छा करें, आप में वो टैलेंट हो, तो ये पांचों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा स्ट्रीम चुनते समय, गलती मत कीजिएगा। देखिए एक बार अगर गलती करेंगे तो आपको फिर वो भोगना पड़ जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट को छोड़कर अगर किसी दूसरे रास्ते में जाते हैं तो अगर आप जॉब पा भी गए तो भी आप उसको सिंसियरली कर नहीं पाइएगा। ठीक है ना, फिर आपका देखिए आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी सो अलग, इनकम नहीं बढ़ेगा, तो क्या चाहते हैं। पहले ये देख, ये गलतियां करना और फिर उसे सुधारना, सुधारने में जिंदगी लग जाती है, समझे। तो ये गलतियां आप ना करें। चलिए अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं। तीसरा मुद्दा यह है हमारा आज का कि 10 पास करने के बाद या 12 पास करने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। देखो 10 पास करने के बाद ही अगर तुम्हें जॉब करना ही पड़ जाए, अगर मजबूरी है, ऐसा करना पड़ रहा है, तब ठीक है कर लेना। हाँ, उसके लिए भी है, 12 पास के लिए भी है, तो चलो हम लोग देखते हैं एक करके क्या क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों, 10th पास करने के बाद आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ कि सिर्फ यही 7 ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस होते हैं, आप थोड़ा खोजिएगा। ठीक है, मैं केवल आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि ये भी है। आप अचानक हतोत्साहित हो जाएंगे, ये करें क्या, कर सकते हैं ना। ये देखो, डिप्लोमा कर सकते हो, इंजीनियरिंग की डिप्लोमा है, ये पॉलीटेक्निक कहते हैं इसको, ये आपके स्टेट की गवर्नमेंट करवाएगी आपको। ठीक है ना, वो एग्जाम वहाँ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है। ये आईटीआई है, कर सकते हैं आप। आप रेलवे के जॉब की तैयारी कर सकते हैं, होता है ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है। 10 पास लेवल पे जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, इनकी फॉर्म्स निकलती हैं टाइम टू टाइम, आप देखते रहिएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह देखते रहिएगा, तो उसमें ये आएगा। आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, हाँ लैब्स में जॉब, ये पैथोलॉजी वगैरह वो सब कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, आज बहुत डिमांड है इसकी, ये बन सकते हैं। और आप कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, ये वोकेशनल कोर्सेज होती है, कुछ सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख लिया या कुछ सीख लिए, तो उस पर भी आप अपना जॉब पाए ना पाए, अपना खुद का कुछ कर सकते हैं काम। तो ये सब है जो आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। अब देखो क्या है ना कि 10 के बाद 10 पास कैंडिडेट बहुत बहुत होते हैं, तो इन क्षेत्रों में कॉम्पिटिशन भर भर के होगा। ठीक है, तो अगर कर सकते हो तो 12 की पढ़ाई जरूर कर लेना। ठीक है, अब आते हैं 12 के बारे में। तो क्या होता है, देखो 12 पास करने के बाद ना कॉमन दिमाग में आता है कि भैया साइंस लेके पढ़ाऊँ तो आइदर इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे, आर्ट्स लेके पढ़ाऊँ तो ग्रेजुएशन करूँगा उसके बाद सरकारी जॉब के लिए ट्राई करूँगा, कॉमर्स लेके पढ़ाऊँ तो बैंकिंग सेक्टर में जाऊँगा या तो सीए वगैरह करूँगा। तो देखो सिर्फ ऐसा यही रास्ते नहीं है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। चलिए हम लोग उस देख लेते हैं कि आप 12 साइंस आर्ट्स कॉमर्स इत्यादि के बाद आप कर क्या सकते हैं, क्या क्या आपके पास पढ़ने के आगे रास्ते क्या हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेट्स सी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है आप जो 12 साइंस के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आपका कॉम्बिनेशन पीसीएम होता है अर्थात आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं,
तो आप उसके बाद 12th के बाद आप BSc कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, आप फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वही IIT JEE वो दे करके आप कर सकते हैं, ठीक है, या अदर जो आपके स्टेट लेवल में जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो। आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का कोर्स है, अच्छा कमाते हैं लोग इसमें। आप टेक्निकल एंट्री ले सकते हैं इंडियन आर्मी में, इसका एग्ज़ाम होता है वो, अगर आप पास कर जाएंगे तो आपको टेक्निकल पोस्ट में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ये जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है एक्चुअली ये 10th पास के बाद जो पॉलिटेक्निक होता है ना उसमें, अगर आप 10th पास बेसिस पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में एंट्री मिलेगी, और अगर आप 12th पास में इस पे आप देते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। हालांकि आप इसके बाद 12th साइंस के बाद भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से, आप कर सकते हैं। फिर आप BCA कर सकते हैं फॉलोड बाय MCA, आप पहले BCA कर लो उसके बाद MCA कर लो, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं और आप MBA कर सकते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस है, तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास देखिए केवल इंजीनियरिंग के अतिरिक्त इतना सारा ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं उन वहाँ जहाँ आप PCB रखते हैं, बायोलॉजी, आप मैथ्स नहीं रख रहे हैं, वहाँ भी आप जनरल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री में ऑनर्स कर सकते हैं, आप बॉटनी में कर सकते हैं, ज्वेलॉजी में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप आयुर्वेद की पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत डिमांड में आजकल। आप वेटरिनरी साइंस कर सकते हैं, इसका कोर्स कर सकते हैं, आप MBBS कर सकते हैं, ये समझ ही रहे हैं, यही तो मेन होता है, सब पहला लक्ष्य तो यही रहता है, बायो लिया डॉक्टर बनूंगा। तो ये आयुर्वेदा में भी लगभग डॉक्टर जैसा ही है, वेटरिनरी साइंस वो तो आप समझते ही हैं क्या है। आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, अच्छा कोर्स, तो ये सब आप कर सकते हैं। अब जो लोग मैथ और बायो दोनों रखेंगे, PCMB कॉम्बिनेशन जिनका होगा, वो डेयरी टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं, वे फार्मेसी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा करियर है इसका। आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं और आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, गजब की चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी, समझे। तो ये सब आप कर सकते हैं, तो ये आपके पास आता है कि 12th साइंस के बाद बिसाइड्स, माने इंजीनियरिंग तो है ही, मेडिकल है ही, उसके अतिरिक्त भी ये आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, तो टीचिंग लाइन में जाने का अलग माइंडसेट होना चाहिए, ऐसे ही रैंडम मत चले जाइएगा, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तभी जाइएगा, तो आप इस क्षेत्र से टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 12th कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं वो जरा देख लें। तो देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट आगे चल के जनरल ग्रेजुएशन BCom कर सकते हैं, CA या CS का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं आप BBA कर सकते हैं फॉलोड बाय MBA, बैंकिंग सेक्टर में जॉब होती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें कीजिए, BCA कर सकते हैं, बाद में MCA करेंगे, या ऐसे ही आप कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। आर्ट्स वाले जिन्होंने 12th में आर्ट्स पढ़ा है वो सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप LLB फाउंडेशन पढ़ाई कर सकते हैं, आप फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हैं, एक विदेशी भाषा सीखना अच्छी बात है, देखो बहुत जगह इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, हाँ ये बड़े बड़े ये आपको कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी में भी वहाँ ज़रूरत पड़ता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में ज़रूरत पड़ता है, आपका पासपोर्ट डिपार्टमेंट हुआ या फिर वो जो क्या बोलते हैं एम्बेसी, वहाँ पर ज़रूरत होती है लोगों की, या आप अपना इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज आप सिखा सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं। देखो
ये ही फिक्स्ड नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको थोड़ा अपना कान खुला रखना पड़ेगा, आप थोड़ा सर्च करेंगे कि क्या है और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप डिटेल जानिए, समझे ना। एक ही तरह आप बायस्ड मत होइएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये सारा अपॉर्चुनिटी, ये भी ऑप्शंस हैं। तो आप जब स्ट्रीम चुनेंगे तो आप अपना फ्यूचर देख के ही ना करेंगे, आप ऐसे थोड़ी कर लेंगे। तो इसलिए आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ भैया साइंस लूँगा तो उसके आगे क्या कर सकता हूँ, आर्ट्स लूँगा तो उसके आगे क्या कर सकता हूँ, कॉमर्स लूँगा तो उसके आगे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इन सब के अतिरिक्त टीचिंग लाइन में जाने का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हों या आर्ट्स बैकग्राउंड के हों। हाँ, लेकिन अगर आप कॉमर्स लाइन में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको आईकॉम बीकॉम करके ही आपको उसी लाइन में आना पड़ेगा, आप बीच में स्विच ओवर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बीएड वगैरह कीजिएगा, जो कीजिएगा कीजिएगा। लेकिन एक बात वही है कि टीचर बनने के लिए आपका अलग पैशन होना चाहिए, आपका अलग माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तीन बातें कंप्लीट हुई हमारी, अब हमारी चौथी बात पे हम आते हैं। ये थोड़ी नीतिगत बात है, इस पर आप ध्यान सुनिएगा। तो देखिए, बेरोजगारी हर क्षेत्र में है। इंजीनियर्स भी बेरोजगार रहते हैं, सीए भी बेरोजगार, सीए नहीं मतलब एमबीए किए हुए लोग भी बेरोजगार रहते हैं, आर्ट्स की डिग्री लिए हुए भी बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। और वही रोजगार हर स्ट्रीम में मिलता भी, ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जो लाखों कमाते हैं महीना का, आर्ट्स पढ़ने के बाद जो लोग जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, न्यूज़ एंकर्स होते हैं ना, वो आप टीवी में देखना, वो जो लोग एडिटर इन चीफ होते हैं, ये सब होते हैं ना, उनकी सैलरी भयानक होती है, बहुत बहुत सैलरी होती है उनकी। सीए करने वाले भी बहुत कमाते हैं। तो देखो, जॉब पाना वो तो ठीक है, डिफिकल्ट है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप में स्किल होना चाहिए, आपने अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई ढंग से की हो। देखो, एक बात जान लो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, समझे, और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। मेहनत से भागोगे, मेहनत से बचोगे, पीछे रह जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आप जब भी स्ट्रीम चुने तो आप ये जरूर देखें कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, ये आपको कितना सपोर्ट दे पाएंगे, आप ये जरूर देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा था मैं नीतिगत बात बोल रहा हूँ। तो आप देख लें कि ये आपको कितना सपोर्ट दे पाएंगे, आप इनसे बात कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप उस टीचर से बात कीजिए जो आपके फेवरेट टीचर हों, जिन पर आप भरोसा करते हैं, ठीक है, आप उनसे बात कीजिए, बात करके ही आप अपने स्ट्रीम का डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो यही सब बातें मैं आपसे कहने आया था। तो आप हमारे चैनल, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इस चैनल की शुरुआत है आज से। इस चैनल पर मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा भी, आपको मैं मोटिवेट भी करूंगा, और आपको टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा भी कि आप करियर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप स्टडी कैसे कर सकते हो, स्टडीज़ कैसे कर सकते हो। तो आप हमसे जुड़ें, आप इनके वीडियोज़, ये वीडियोज़ देखें, एक के बाद एक वीडियो आएंगी। इसके बाद मैं बताऊंगा कि 11 साइंस, जब आप साइंस में एडमिशन लेंगे, साइंस स्ट्रीम में, तो आप उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।